सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक टू एमडीज कुकिंग अरीना। आज जो हम बनाने जा रहे हैं बेसिकली दैट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और मैं समझता हूँ खाने में सबसे ज़्यादा हेल्दी है। और आप घर में अच्छे मतलब एक क्लीन एनवायरनमेंट में यार बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरी देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं बेक्ड चिकन, विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। जो बंदे मतलब घर में जो डाइट कर रहे हैं, जो हेल्दी खाना चाह रहे हैं, उनके लिए बेसिकली रेसिपी आज उनके लिए फ्लेवरफुल, और साथ साथ जो हम इसकी मैरिनेशन है वो एक अलग तरीके से लगाएंगे। दो टाइप की मैरिनेशन, जब भी आप मेरे साथ होंगे मैं आपको दो टाइप की मैरिनेशन बताऊंगा। एक होगी ड्राई मैरिनेशन, जो ड्राई रब होता है जिसमें पाउडर्स होते हैं, और एक होगी वेट मैरिनेशन। तो वेट मैरिनेशन के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं, और इसके साथ हम थोड़ी सी वेजिटेबल भी सौते करेंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो चिकन हमारे पास है, होल चिकन है, इसको हमने करने लगे हैं बेक। तो बेक करने के लिए सबसे पहले आप अगर होल चिकन बेक कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अगर इसको बैक साइड पे लेके जाएं और ये देखें, सेंटर से अगर कट करें आप, ये देखें ये नेक के बिल्कुल साथ साथ अगर आप कट करते जाएं, ठीक है, ये देखें ये आपका जो चिकन है सेंटर में से खुल जाएगा। और मज़ेदारी की बात ये है कि इस तरीके से इसकी लुक बड़ी अच्छी आती है, जो भी रेस्टोरेंट में या जितने भी हमारे फाइन डाइन हैं उसके अंदर जो इसकी लुक के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, ये एक प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त होती है। ठीक है, चिकन लेके हमने उसको पूरा खोल लिया, जो पिछली वाली कमर वाली रीढ़ की हड्डी होती है पूरी एक आर्क दी, इस तरीके से खोल लिया। ये मेरे पास कांटा है। अच्छा, चिकन को करना है टेंडर, ठीक है। अगर तो आपके पास मैरिनेशन टाइम है, ठीक है, जैसे मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, कांटा लूँगा, इसको करूँगा प्रिक। ये देखें, अच्छे तरीके से आपने इसको हर जगह से प्रिक करना है। प्रिक करने के बाद इसको हम ले जाएंगे, अब हमारी शुरू होने लगी है वेट मैरिनेशन। वेट मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैं डालूंगा 1 किलो की पूरी मुर्गी है, 1 किलो 200 ग्राम 300 ग्राम उसके लिए मैरिनेशन है, ठीक है। तो ये मेरे पास है 4 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, ठीक है, 4 टेबलस्पून ऑफ ऑयल मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। ऑयल इसलिए शामिल किया है इसके अंदर क्योंकि हमारी जो मैरिनेशन है ना, एक तो वो अपनी जगह बना ले चिकन के ऊपर, दूसरी ये है कि ऑयल मदद करता है चिकन को जूसी रखने में, क्योंकि फैट होता है तो चिकन को जूसी रखने में मदद देता है। सेकेंड थिंग, हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा लेमन, एक्स्ट्रा विनेगर और मीट टेंडराइजर का यूज़ नहीं किया। तो अब हमने इसको यार, इसको हमने गलाना कैसे, मतलब चिकन को हम गलाएंगे कैसे, होता तो सॉफ्ट है लेकिन फिर भी इसको टेंडराइज कैसे करना है। उसके लिए 2 टेबलस्पून ऑफ दही, 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क, उसका बन जाएगा बटर मिल्क। तो ये हमने इसके अंदर डालना है, ठीक है। इसी के साथ साथ बाकी जो मसाले हैं मैं आपको बताता चलूँ, ये हमने डाल के ना इसके अंदर, और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, मतलब 15 से 20 मिनट के लिए ना हमने इसको छोड़ देना है। और जो चेस्ट वाली साइड है, ये जो ब्रेस्ट वाली साइड है, इसको हमने रख देना ताकि ये अपनी एक जो है वो इसको टेंडराइज करना शुरू कर दे। और अब हम इसकी बनाते हैं सेकंड मैरिनेशन। उसके लिए ये मेरे पास आ गई एक, जो हमने बर्तन ले लिया है, इसमें सबसे पहले मैंने डालनी है पेपरिका, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, 2 टेबलस्पून ऑफ मेरे पास है मिर्चें, हरी मिर्चें, ठीक है, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, ये वो मतलब 3 से 4 हरी मिर्चें लेके मैंने उसका पेस्ट बना लिया हुआ है। छोटा ऑनियन लिया, ग्राइंडर में डाला, 3-4 टेबलस्पून पानी डाला और इसको ग्राइंड कर लिया। ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। इसके बाद हरा धनिया मैंने क्वार्टर बंच लिया, आप बाज़ार से क्वार्टर बंच लेंगे, उसके अंदर स्टेम्स के साथ उसको साफ़ करेंगे, ग्राइंडर में डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, ब्लेंड करेंगे, तो ये आपके पास धनिए का पानी। ये मेरे पास गार्लिक था, गार्लिक को मैंने 5 से 4 जवे जो थे मोटे वाले गार्लिक के वो लिए,
चार जवे, ठीक है, उसको मैंने पानी डाला, ब्लेंड कर लिया। ये मेरे पास काली मिर्च है, हाफ टी स्पून मैं इसमें काली मिर्च शामिल करूंगा। और ये मेरे पास नमक है, नमक मैं इसमें हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करूंगा, ठीक है। हाफ टेबल स्पून मैंने अभी डाला है इसके अंदर, हाफ टेबल स्पून हम और डालेंगे क्योंकि मुझे याद आया हमने वेजीज को भी इसी के साथ ही रखना है, तो ये हाफ टेबल स्पून मैंने और डाल दिया, ठीक है। तो बड़े लोगों के जहन में आता है यार ये मतलब मैरिनेशन वाटराइज्ड क्यों, पानी में मैरिनेशन क्यों, ये तो ऊपर से उतरने लग जाएगी। देखिए जो वाटर वाली मैरिनेशन होती है ना वो चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, वो चिकन के अंदर तक जाके जिसे कहते हैं रच बस जाना वो होती है। जो ड्राई रब होता है वो क्या होता है, मैरिनेशन ऊपर ऊपर लगी रहती है लेकिन अंदर तक जाके वो चिकन के अंदर पेनिट्रेट नहीं होती। तो हमने इसको प्रिक, चिकन को भी प्रिक इसीलिए किया है ताकि इसके अंदर जो मैरिनेशन है वो अंदर तक पेनिट्रेट हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया हमारा चिकन, ठीक है। बेसिकली जो वाओ क्या इसकी खुशबू आ रही है, बेसिकली जो चिकन बेक्ड जो आइटम बेक्ड होती है ना, याद रखें जो भी स्किन वाली आइटम बेक होगी ना उसके ऊपर मैरिनेशन थोड़ी सी ज़रा मतलब तेज़ जाएगी। जो भी बगैर स्किन के जो मैरिनेशन बनेगी ना, या बगैर स्किनलेस या अनड्रेस चिकन होता है उसकी मैरिनेशन हल्की सी लाइट होगी, क्योंकि जो स्किन वाला चिकन होता है ना उसकी जो स्किन होती है उसका भी अपना एक फ्लेवर होता है, वो फैट छोड़ता है, तो उसके लिए हमें जो है ना स्पाइसेस थोड़े से तेज़ रखने पड़ते हैं। तो आप इसको स्किन वाले चिकन में भी बना सकते हैं, हमने भी बनाना था लेकिन हमें मिला ही नहीं। तो ये देखें, ये मैं सारा इसी मैरिनेशन में शामिल करूँगा। तो ये देखें इसको अब हमने करना है अच्छे तरीके से, चिकन को इस मैरिनेशन में करना है हमने रब और मसाज जी। तो दोस्तों चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है बड़े अच्छे तरीके से। तो ये मेरे पास जो है वो एक पायरेक्स की ट्रे है, ठीक है, पायरेक्स इज़ काइंड ऑफ अ ग्लास जो कि हाई टेम्परेचर पे भी ब्रेक नहीं होता। आपके पास स्टील है, आपके भाई के पास भी नहीं होता था लेकिन आपका भाई थोड़ा सा जो है ना बाद में अमीर हो गया तो उसने ले लिया, वैसे है अभी भी गरीब। तो ये देखें, ये हमने इसके अंदर अपना चिकन लिटा दिया, ठीक है। ये देखें ये हमारा चिकन अच्छे तरीके से इसके अंदर लेट चुका है। इसके बाद क्या करना है, ये जो मैरिनेशन है अब यार ये वेस्ट तो नहीं करनी ना, ये मैरिनेशन डालनी है इसके अंदर, ठीक है, इस मैरिनेशन को हमने डालना है इसके अंदर। सर्दियां चल रही हैं, आपको सिट्टे विट्टे मिल जाएंगे तो आप इनको यहाँ रख सकते हैं मैरिनेशन में थोड़ा सा हल्का सा डाल के। और ये मेरे पास है वेजीज, आपके पास जौन सी भी वेजी है, जौन सा आपका दिल करता है यार डालो इसके अंदर, ठीक है। मेरे पास कैरेट ऑनियंस एंड कैप्सिकम है तो मैं वो ऐड कर रहा हूँ। और इसको मैं ये देखें अच्छे तरीके से मैरिनेशन में ही एक बार थोड़ा सा इसको, आप इसको वैसे भी ऐसे लगा के भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर मैरिनेशन के अंदर डबो के भी इसको निकाल सकते हैं। प्रॉपर हमने इसको सेट कर लेना, ठीक है, साइडों से आप अच्छे तरीके से चिकन चुकन को सेट कर लें ताकि आप, ये देखें ये हमारा ओवन है, इसके अंदर हम रखेंगे हमारी बेकिंग डिश। वाओ, एंड तो बेसिकली जो इसका हमारा टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए तकरीबन 250 डिग्री। 250 डिग्री पे आपने इसको करना है कम से कम 45 to 30 minutes के लिए बेक। एंड हमने पकड़ ली डिश, विश 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 विश, सबसे ज़्यादा फेवरेट चिकन जो है ना वो रेडी हो चुका है, जो कि देखिए कितना टेंडर है, मतलब ये देखें, ओ माय गॉड, ओ यस। बात ये होती है
ये जो जूस होता है ना, इट्स एन हेवन। ये देखें, वो वाओ वाओ। और इसके साथ जो जो वेजीज हैं, वाओ, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको अच्छी लगे तो वापस आके सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मेरा नाम है शेफ़ अहमद हमाद। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।